सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है, तो आज सुबह ही सीएम के पहुंचने की खबर है। बेहद अहम खबर है क्योंकि देखिए कई कार्यक्रम ऐसे हैं दिल्ली में जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले गुरुवार देर शाम गृह मंत्री अमित शाह के घर सीएम की एक अहम बैठक थी जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद सीएम योगी यूपी सदन रवाना हो गए। तो देखिए दिल्ली में कई कार्यक्रमों में आज सीएम को शामिल होना है। कल देर शाम वो दिल्ली आए थे जहां पर पहले से ही संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और 3.5 घंटे की ये अहम बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे स्वतंत्र देव सिंह, संगठन की ओर से भी लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गुरुवार देर शाम तो दिल्ली दौरे पर सीएम रहेंगे। कल देर शाम पहुंचे थे, आज भी कई तरीके के कार्यक्रम हैं और 3.5 घंटे की ये मीटिंग रही थी जो कि बेहद अहम है। इस मीटिंग के बाद यूपी सदन फिर से रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह के घर चल रही बैठक खत्म हो गई। 3.5 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और इसमें अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे काम करना है, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जो आगामी दौरे होने हैं, प्रधानमंत्री को जो तमाम सारी योजनाओं को लेकर तमाम सारी चीजें तैयार की गई। उसके अलावा अगर बात करें तो MLC को लेकर बातचीत की गई और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो संभावित कैबिनेट विस्तार है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। 3.5 घंटे की यह बैठक हुई है जिसमें तमाम तरीके से हर मुद्दे पर चर्चा की गई है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के किस तरीके से अब कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया जाए जिससे कि एक माहौल बने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इन तमाम सारे मसलों को लेकर यहाँ पे बैठक हुई है। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, कल देर रात लगभग 3.5 घंटे गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जो बैठक चली उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर और 2022 की रणनीति पर, रोडमैप पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो वो मुद्दे बताइएगा और इसके बाद आज मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए कौशल, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से अगर बात करें तो अपना दल को जिस तरीके से केंद्र में एडजस्ट कर लिया गया है, केंद्र में अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया, अब उसके बाद निषाद पार्टी जिस तरीके से मांग कर रही है कि उसको भी उत्तर प्रदेश में समुचित स्थान मिलना चाहिए, इसको लेकर कल एक काफ़ी अहम बैठक हुई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार दोनों के मुखिया यहाँ पर मौजूद रहे और इनके साथ साथ अगर बात करें तो संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष है उनकी भी मौजूदगी रही, उनके साथ भी कर बातचीत की गई है कि किस तरीके से अब आगे निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और उसमें आगे किस तरीके से समुचित स्थान दिया जाए। एक तो सबसे पहले यह चर्चा हुई कि सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अब समुचित स्थान दिया जाएगा, संगठन में भी साथ लेकर चला जाएगा और सरकार के स्तर में भी हिस्सेदारी दी जाएगी। दूसरी बात, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में MLC का जो है मनोनयन होना है राज्यपाल की तरफ से और जिसमें 4 नाम है उनके नामों पर भी मंथन होगी कि इन लोगों को MLC में मनोनयन किया जाए। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार जो कि संभावित है जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आगे 5 से 6 मंत्रियों को रखा जाएगा, उनके नामों पर भी चर्चा की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री और इसके अलावा केंद्रीय आलाकमान जो है उनके दौरे अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किए जाएं इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो जानकारी मिलने में सूत्रों के अनुसार यह है कि यह तय किया गया कि हर 15 दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर
किसी न किसी योजना या फिर अन्य किसी जो परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और तमाम सारे जो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हों और इसके अलावा संगठन के लोग हैं, अब उत्तर प्रदेश में दौरे करेंगे, जिससे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं और राज्य सरकार की योजनाएं रही, उसे जनता को बताया जा सके और चुनाव के लिए एक माहौल बनाया जा सके। बिल्कुल अविनाश, जाहिर है वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, ऐसे में रणनीति को जमीनी स्तर पर लेके आने की जरूरत है और शायद यही वजह है कि 3.5 घंटे तक गृह मंत्री के आवास पर ये मीटिंग चली है।